अभी हम लोग चल रहे हैं 80 घाट की तरफ, और ये हकीकत बनारस की गलियों में चलते हुए आप ऐसा महसूस करेंगे कि बनारस एक शहर नहीं, बनारस एक एहसास है। वेलकम बैक टू दिस राठौर्स व्लॉग, और आज के व्लॉग में आपको लेके चल रहे हैं बनारस भवन पे, और यहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं 80 घाट की तरफ, और ये हकीकत बताऊँ तो आज ये तीसरा व्लॉग है जो हम लोग लगातार शूट कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है नितिश राठौर व्लॉग में। आज आपको लेके चलेंगे बनारस के 80 घाट पे, और लेके चलते हैं और दिखाते हैं कितना खूबसूरत है 80 घाट। अपन लोग ट्रेवल पे निकले हैं और बनारस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये बनारस को एक्सप्लोर करते हुए चौथा वीडियो है जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए और लेके चलते हैं आपको 80 घाट पे। तो बने रहिए इस व्लॉग में, आ गया हमारे साथ। बनारस की गलियों में चलते हुए आप ऐसा महसूस करेंगे कि बनारस एक शहर नहीं, बनारस एक एहसास है। आप जब भी बनारस की गलियों में घूमते हैं तो बनारस की गलियाँ एक्चुअली तंग होती हैं। आप देखेंगे कि इतनी जो यहाँ पे उतना स्पेसियस जो आपको गली चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप अगर ग्रेटर नोएडा की गलियों को देखते हो, या फिर आप जमशेदपुर जैसे शहर की गलियों को देखते हो, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि इस तरीके से आप इतना यहाँ पे आपको चौकस रास्ता नहीं मिलेगा। थोड़ी सी गलियाँ जो होती हैं थोड़ी तंग होती हैं यहाँ पर। लेकिन आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ बनारस की, बनारस 80 घाट की तरफ, और ये जो आपको भीड़ और ये हुजूम जो देखने को मिलेगा ये यहाँ का रोज़ का है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है बनारस के लोगों के लिए। ये हुजूम जो है कि बनारस में 80 घाट और भी बहुत सारे खूबसूरत जगहें हैं जिनको घूमने का ये हुजूम चलता रहता है। आप मेरे पीछे देखे, आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके माथे पे तिलक लगा हुआ है, और वो लोग बनारस की इस खूबसूरती का आनंद लेते हैं। तो बनारस एक एहसास है, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो विभिन्नता है यहाँ पे, उसमें विभिन्नता में भी आपको एकता देखने को मिलेगी। जैसे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि घाट पे जो हिंदू हैं तो सिर्फ हिंदू हैं, या फिर जो मुसलमान का एरिया है वहाँ मुसलमान है। यहाँ पे हिंदू के घाट पे आपको देखने को मिलेगा कि जो नाविक हैं वो बहुत सारे मुसलमान हैं। तो ऐसा कुछ जो है ये खूबसूरती से भरा हुआ संगम है बनारस। लेके चलते हैं आपको बनारस 80 घाट पे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका दोस्त नितिश राठौर। और हम अपने मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, 80 घाट हम लोग पहुंच चुके हैं। और आप पीछे देखें कि ये काफ़ी बेहतरीन, आप गाड़ियों का सैलाब देखिए तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कितना खूबसूरत यहाँ के यहाँ का मनोरम दृश्य हो सकता है, कि जिसकी वजह से जो यहाँ पे भीड़ है। और ये ऐसा नहीं कि जो मोस्टली यहाँ पे जो पर्यटक है वहीं सिर्फ आते हैं, यहाँ के जो लोकल जनता है वो भी यहाँ पे आती है। और 80 घाट पे उनका जो होना शाम के वक्त, हाँ तो यहाँ का लैंग्वेज काफ़ी बेहतरीन है। वो पूछते हैं कि फ़ोटो आओ था हमारे का मोबाइलिया में का हो, इसका मतलब है कि क्या मतलब कि आपके मोबाइल में उनकी फ़ोटो आ रही है क्या? तो आई सेड कि हाँ आ रही है। सर समझिए, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज जो है वो पता नहीं मगही या कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन सुनने में काफ़ी बेहतर लगती है। तो ये अवधि यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, भाई साहब आगे से बता रहे हैं। और चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं 80 घाट, दिखाते हैं आपको फ्रंट व्यू, देखते हैं कितना खूबसूरत दिखता है 80 घाट। बनारस की खूबसूरती को आज कैद करने में मैं पहुँच गया हूँ मुजफ्फरपुर से चलकर नितिश राठौर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बनारस एक शहर नहीं, एक एहसास है। आप देखें यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी हुई है। चलिए मैं आपको फ्रंट कैमरे से ऑन करता हूँ, जब आप गंगा नदी में आए और गंगा की खूबसूरती के साथ आप नाव पे ना बैठे तो फिर आपका बनारस आना जो है कि ये सफल नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि बनारस में आने के बाद इंसान हर एक चीज़ भुलाकर सिर्फ अपने खुशी के पल को एंजॉय करता है। तो यह है बनारस की खूबसूरती। और आप देखिए कि 80 घाट बनारस से मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ बेहतरीन नज़ारा, कुछ इस तरीके से दिखता है संध्या के वक्त। अभी लॉकडाउन है वरना ये 7 बजे संध्या में आपको देखने को मिलता बेहतरीन आरती का भी नज़ारा। ये घाट है 80 घाट बनारस, और ये बनारस का 80 घाट है। मोस्टली हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और साथ है कबीर भाई। और देखिए कि पीछे कितना कुछ देखने को मिलेगा बनारस में। बनारस में जब ही आप आए तो ये बोट का जो हिस्सा है आप इसको मिस मत कीजिए, ये ही खूबसूरती है बनारस की। आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे इतनी विविधताएँ कि इतना
अलग इंसान का धर्म, यहाँ पे सब कुछ में आपको एकाकी देखने को मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ ये बीच, ऐसा बीच गंगा नदी में आप ऐसे हैं, देखिए एक मांझी पे सब कुछ टिका है और आप गंगा के सफ़र का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन है अस्सी घाट। बैठो बैठो, डरो मत। वरुणा काशी का चार नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ, काशी, बनारस, वाराणसी, आनंदवन। आनंदवन के नाम से भी जानते हैं बनारस को, है ना? काशी जो जंगल था पहले, हाँ हाँ, नाम आनंदवन के नाम से जाना जाता था। अच्छा, जब अंग्रेज लोग जाने लगे, हाँ हाँ, तो वरुणा नदी है, वरुणा नदी, कोसी नदी, ठीक है। वरुणा और अस्सी दोनों मिलाकर वाराणसी रखा गया। अच्छा, वरुणा और अस्सी दोनों नदी का नाम था। हाँ, वरुणा नदी और अस्सी नदी। जी जी, तो पहले का सब मिला दिए नाला। हाँ हाँ, अब तो नाला हो गया, नहीं संगम होता था। हाँ हाँ, अच्छा, शंकर जी आए, पार्वती जी इनको बसा दिए, अपने भी बस गए, सबको बसा दिया। जी जी, इसका नाम पड़ गया काशी। अच्छा, बनारस रखा गया, जैसे बनारसी साड़ी बनता है। जी जी, बनारसी साड़ी बनता है तो बाना ताना अगर यहाँ सुनेंगे तो बहुत सारा रस मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो सब जोड़ के बनारस रखा गया। अच्छा, थैंक यू। और यहाँ पे सुनते हैं कि बहुत सारे मूवी का भी शूटिंग हुआ है यहाँ पे। बहुत सा रांझना मूवी का, राजना, बंटी बबली और कौन कौन सा, मोहल्ला सी, आगे हुआ था घातक, राजा घाट पे। तो ये मतलब बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि ये अस्सी घाट बनारस पे, यहाँ पे मोहल्ला अस्सी मूवी का शूटिंग, रांझना मूवी की शूटिंग की गई थी और घातक मूवी की शूटिंग। बहुत शूटिंग हुआ, नाम तो पहले तो हुआ था, हो रहा था जैसे दंगल, भोजपुरी में दंगल, भोजपुरी मूवी, पटना नहीं, काफी सुजीत कुमार गाना गाता था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे भोजपुरी मूवी की शूटिंग से लेके बंटी बबली तक की शूटिंग होती है। तो अस्सी घाट का एक पिक्चर हुआ है बनारसी बाबू, बनारसी बाबू, हाँ हाँ, देवानंद की मूवी, डबल रोल, डबल रोल बताइए। तो ये काफी मतलब बेहतरीन नज़ारा देखना काशी, यहाँ जो अस्सी घाट बनारस है, यहाँ से आपको कितनी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, कितना कुछ जुड़ा हुआ है इससे हर एक चीज। आप बैठेंगे और बीच गंगा में अभी हम लोग हैं। जो मकान जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ, वो सामने, हाँ हाँ, जो संकट पोर्टल पे जो महंत जी है, हाँ हाँ, वीरभद्र मिश्रा का मकान है। अच्छा, और संकट मोचन में पीछे जो आपको व्हाइट, जो व्हाइट वाला जो बिल्डिंग है उसकी बात कर रहे हैं, जो संकट मोचन में जो महंत जी पुजारी। अच्छा, महंत जी पुजारी उनका घर वही है, उनका मकान है। अच्छा, देखिए तो आप संकट मोचन अगर सीरियल देखते हो तो व्हाइट वाला जो घर है उसमें जो महंत जी बने हुए हैं उनका घर सामने है। तो अस्सी घाट बनारस से बहुत यादें जुड़ी हैं, बहुत कुछ यहाँ पे खास है। और आप अगर आप यहाँ से 360 व्यू देखना चाहें, एक बार अगर मैं कैमरा को रोल करके दिखाऊँ आपको, तो आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन नज़ारा, बीच गंगा में मैं बैठा हूँ और आप देखेंगे कितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। कहना है यहाँ के लोगों का कि मोदी जी के आने के बाद इसका जो है कि काया पलट हो गया है और काफ़ी खूबसूरत इस अस्सी घाट को बना दिया गया है। उससे पहले यहाँ पे गंदगी थी बहुत ज़्यादा, उस घाट पे लोग मतलब उतने लोग नहीं आते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के वजह से लोग बहुत ज़्यादा कम हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती में आप देखें तो एक भी कमी आपको दिखाई नहीं दे, कितना खूबसूरत, कितना मनोरम दिखाई देगा। संध्या होने वाली है और शाम ढल रही है, बिल्कुल शाम ढल रही है, और देखिए कि यहाँ पे सूर्य का ये कितना बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इस अस्सी घाट से। ये अस्सी घाट बनारस, मैं इसकी खूबसूरती को दिखाते थक नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे संध्या हो गई है और लॉकडाउन के कारण प्रशासन जो है, पुलिस आ गई है और मना कर रही है कि यहाँ पे लोग जो हैं कि लोग धीरे धीरे घर की तरफ जा रहे हैं, गंगा आरती को अभी तक रोक दिया गया है। तो ये जो था अस्सी घाट भ्रमण, आप आइए ज़रूर, देखिए बीच गंगा के बीच में बैठा हूँ नाव पे और एक नाविक के भरोसे चलता है ये सफ़र, मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके से, और कितना मनोरम दृश्य है ये, आप बहुत आनंद ले सकते हैं। और इस साइड आप देखें तो ये ऊँट की सवारी चल रही है, कुछ लोग इधर ऊँट पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेंगे मुरीद का जो पोर्शन है उस पर टहल सकते हैं।
इस ब्लॉग को करेंगे ही समाप्त। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। तो बनारस में जुड़े रहिए हमारे साथ, बनारस से जुड़ी हुई और भी बेहतरीन चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ बनारस में, बनारस की खूबसूरती को मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा, टेक केयर।